दोस्तों, क्या आप दुनिया के उस हिस्से के बारे में जानते हैं जहां लोग अपने पूर्वजों के शव के साथ रहते हों? अगर नहीं तो आज हम आपको उसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग अपने परिवार के सदस्य की मौत के बाद उन्हें कभी दफनाते नहीं है, बल्कि मुर्दे को मम्मी के रूप में तब्दील करके उसे घर पर ही रखते हैं। मुर्दों को अपने साथ रखने की ये परंपरा इंडोनेशिया के तोराजन समुदाय में पाई जाती है। इस समुदाय में डेड हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें मुर्दों को बॉक्स से बाहर निकालकर नहला धुलाकर और फिर से नए कपड़े पहनाकर मरे हुए इंसान को जो भी खाना पसंद था वही बनाया जाता है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार जिस दिन लोग मुर्दों को बाहर निकालते हैं और उन्हें सजाते हैं, उस दिन अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी बुलाते हैं। पूरे गाँव में जश्न जैसा माहौल होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वे अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा के लिए दफनाने से पहले कई साल तक अपने साथ रखते हैं। इंडोनेशिया के टोराजन समुदाय के लोग मानते हैं कि मौत जीवन का अंत नहीं है और जो मर गए वो जिंदा है। ये लोग न सिर्फ मुर्दों को साथ रखते हैं बल्कि उन्हें खाना भी देते हैं। इस समुदाय में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाने की जगह एक भैंस की बलि दी जाती है। भैंस की बलि के बाद मृत शरीर को घर ले जाया जाता है। इसके बाद उसे अनाज घर और बाद में श्मशान ले जाते हैं। फिर मुर्दे को वापस घर ले आते हैं। उसके लिए एक कमरा खाली कर दिया जाता है जिसमें ज़रूरत की हर सामान, कपड़े और पसंद की चीज़ें रखी जाती हैं। मृत शरीर को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर को फॉर्मलाडिहाइड और पानी के घोल से परिरक्षित करते हैं। बाद में इस मुर्दे को परिवार में शामिल कर दिया जाता है। यहां मौत को लोग एक उत्सव की तरह मनाते हैं। इस दिन टूटे हुए ताबूत की मरम्मत कराई जाती है या फिर उसे बदल दिया जाता है। इसके बाद अपने परिजनों के शव को रास्ते से पूरे गांव में घुमाते हैं। गांव की इस परंपरा को माई नेने कहा जाता है। ये परंपरा हर साल अगस्त में निभाई जाती है। परंपरा के दौरान बाहर से आए लोगों को मुर्दों से मिलने भी दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।